नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं समास। और समास में आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में पढ़ेंगे तृतीया तत्पुरुष को। तृतीया तत्पुरुष के विषय में देखिए, दो तीन सूत्र हैं हमारे जो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, पहला सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुण वचनेन। समास कौन सा है हमारा? तृतीया तत्पुरुष। और इसका सूत्र है विद्यार्थियों, तृतीया तत्कृतार्थेन गुण वचनेन। तृतीया तत्कृतार्थेन गुण वचनेन, यह सूत्र विद्यार्थियों ये कहता है। देखिए, इसका जब अर्थ लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे, कि तृतीयांत सुबंत का क्या अर्थ है? इसका तृतीयांत सुबंत का तृतीयांत के अर्थ द्वारा कृत जो गुण तृतीयांत के अर्थ द्वारा कृत जो गुण तद विशिष्ट द्रव्यवाचक सुबंत के साथ एवं अर्थ सुबंत के साथ। विकल्प से समास को प्राप्त होता है। देखिए विद्यार्थियों, ये जो है ये सूत्र है तृतीया समास का। तो इसमें क्या बताया, देखो पहला तो दिया है तृतीयांत शब्द, दूसरा दिया है तत् और तत्कृत, और फिर दिया है अर्थ। यानी पहली शर्त तो ये है, प्रथम पद ये कैसा होगा? तृतीया में, और दूसरा पद तत्कृत होगा। तत्कृत का तात्पर्य क्या होता है? इसके द्वारा कोई कार्य किया गया होगा। जैसे देखिए, एक होती है संकुला। संकुला बोलते हैं विद्यार्थियों, इसका अर्थ होता है सरोता। ठीक है, सरोता क्या होता है? जब आप अचार डालते हैं, अचार तैयार करते हैं, तो जो आम को काटने के लिए एक औजार का प्रयोग किया जाता है, आम को काटने के लिए जो औजार प्रयोग किया जाता है, जो कुल्हाड़ी या वाक से कुछ भिन्न होता है, उस औजार को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? हम संकुला कहते हैं। अब इस संकुला ने अगर कोई टुकड़ा कर दिया, उससे काटा हमने, और काटने के बाद क्या हुआ, एक टुकड़ा हो गया, तो इस संकुला का उस टुकड़े के साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं तृतीयांत का तत्कृत, यानी उसके द्वारा जो किया गया कार्य है। जैसे सरोता है, और सरोता यानी क्या है, आम के दो टुकड़े कर दिए तो खंड हो गया, तो हम उस संकुला का और उस खंड का समास कर देंगे। इसलिए कहा है तृतीया तत्कृत,
यानी तृतीयांत सुबंत का, सुबंत का तात्पर्य होता है उस पद का जिसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई हो, तृतीयांत सुमत का, सुबंत का, और तत्कृत यानी उसके द्वारा जो किया गया। जैसे सरोता है और इस सरोता ने क्या कर दिया, खंड कर दिया, और ये खंड कर दिया, टुकड़ा कर दिया, किसका टुकड़ा कर दिया, आम का टुकड़ा कर दिया या और किसी का टुकड़ा कर दिया, तो वह जो टुकड़ा है, वह जो खंड है, उसके साथ समास हो जाता है विद्यार्थियों, और वह कौन सा समास होता है, तृतीया तत्पुरुष समास होता है। पहला उदाहरण एक तो विद्यार्थियों ये हो गया आपका उदाहरण, ये तो देखिए एक उदाहरण बनता है संकुलया, तो ये जो संकुला है ये तृतीय विभक्ति में हो गया और ये खंड आ गया संकुलया खंडह, अर्थात संकुला के द्वारा किया गया खंड, और इसमें समास हो जाएगा संकुला खंड। पहला उदाहरण है तृतीयांत का तत्कृत के साथ अर्थ, क्लियर विद्यार्थियों। अब उसके बाद दूसरा जो दिया अर्थ, यानी पहला पद प्रथम पद किसमें होगा, तृतीय विभक्ति में, जैसे धानेन, तो इसमें तृतीय विभक्ति है विद्यार्थियों, और द्वितीय पद होगा अर्थ, तृतीय पद क्या होगा अर्थ, और ये हो गया धान्येन अर्थ, और जब इसका समास कर देंगे तो ये बन जाएगा धान्यार्थ। तो आपके समझ में ये समास आ गया होगा कि तृतीया तत्कृत यानी तृतीया के द्वारा किए गए गुणवा तद विशिष्ट गुणवाचक, जैसे तृतीया ने क्या किया, संकुला ने खंड किया, तो संकुला का खंड के साथ समास हो गया, और दूसरा जो शब्द दिया इसमें पद दिया अर्थ, तो अर्थ के साथ समास हो जाएगा। तो इस सूत्र के द्वारा तृतीया तत्पुरुष जो समास है वह दो अर्थों में होता है, एक तो तृतीयांत का तत्कृत के साथ, जैसे हमने ये उदाहरण पढ़ा संकुला खंड, और एक तृतीयांत का अर्थ शब्द के साथ समास हो जाता है। तो देखिए इन दोनों ही उदाहरणों को हम पढ़ेंगे। देखिए पहला उदाहरण अब देखिए पहला उदाहरण है इसमें संकुला खंड। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा संकुलया खंड, यह लौकिक विग्रह है विद्यार्थियों। कौन सा विग्रह है, लौकिक विग्रह। मैंने आपको बताया था समास के दो प्रकार के विग्रह होते हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। उसके बाद देखिए दूसरा है इसका अलौकिक विग्रह। तो अलौकिक जो विग्रह होता है वो क्या होता है, संकुला प्लस टा। अब आप कहेंगे टा क्यों लगाया, क्योंकि इसमें विद्यार्थी तृतीय विभक्ति है और तृतीय एक वचन है, तो तृतीय एक वचन में जो प्रत्यय लगता है वो कौन सा लगता है, टा लगता है। प्लस खंड, अब खंड में आपको पता है कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, तो प्रथमा में एक वचन में क्या लगता है, सु। ये हो गया आपका अलौकिक विग्रह, यानी जो व्याकरण की दृष्टि से विग्रह होता है उसको हम अलौकिक कहते हैं, और जो अर्थ की दृष्टि से विग्रह होता है उसको हम लौकिक कहते हैं। इस प्रकार से है विद्यार्थियों। अब देखिए अब जब आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप लिखेंगे संकुला
प्लस टा प्लस खंड प्लस सो। ठीक है विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सूत्र से समास करेंगे। आप लिखेंगे तृतीया तत्कृत कृतार्थेन गुण वचनेन। सूत्र से तृतीयांत सुबंत का तत्कृत गुण विशिष्ट खंड सुवंत के साथ विकल्प से समास, विकल्प से तत्पुरुष समास। आपको मैंने पहले बताया था विकल्प से होता है तत्पुरुष समास। क्या हो गया विद्यार्थियों, विकल्प से तत्पुरुष समास। ठीक है, अब देखिए आगे जब चलते हैं, जब समास हो जाता है, इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों में, तो फिर क्या करते हैं हम, इसकी उपसर्जन संज्ञा करते हैं विद्यार्थियों। आगे की स्थिति है इससे, आप लिखेंगे फिर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। सूत्र से संकुला प्लस टा की उपसर्जन संज्ञा। ठीक है विद्यार्थियों, उपसर्जन संज्ञा किसकी हो गई, संकुला प्लस टा की। फिर आप लिखेंगे संकुला प्लस टा प्लस खंड प्लस सु, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों उपसर्जनम पूर्वम। सूत्र से उपसर्जन संज्ञक का पूर्व प्रयोग। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, इसके बाद जो आपको लिखना है, फिर जो ये समास हुआ था इसकी कर लेंगे हम प्रातिपदिक संज्ञा। आप लिखेंगे कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है विद्यार्थी, इस पूरे समास की क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा। फिर उसके बाद जो स्थिति बनती है, आप लिखेंगे संकुला
खंड यानी ये जो सुप्त हैं प्रातिपदिक के, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो फिर प्रातिपदिक के सुपों का लोप हो जाता है और सूत्र लगता है विद्यार्थियों सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, ये सूत्र है सूत्र से प्रातिपदिक के सुपों का लोप, लोप हो गया विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आपने क्या किया था, हम स्थिति पहुंच गए थे यहाँ पर संकुला और खंड। यहाँ पुनः विद्यार्थियों प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और सूत्र वही लग जाएगा हमारा, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है विद्यार्थियों। और फिर जो आपने विभक्ति कार्य किए थे सेकंड ईयर में, क्या किया था आपने, सबसे पहले सू लाए, सू के बाद क्या है उसको रू किया, रू को र किया, र को विसर्ग किया। तो ये आपको यहाँ इतनी प्रक्रिया नहीं करनी, आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध, ठीक है विद्यार्थियों। ये आपका संकुला खंड रूप सिद्ध हो गया तृतीया तत्पुरुष समास में। अब देखिए इसी सूत्र का जो दूसरा उदाहरण था वो कौन सा था आपका, धान्यार्थ, क्योंकि इसमें दो ही सिद्धियां हो रही हैं, एक तो धान्यार्थ एक संकुलाखंड। तो देखिए एक ही है धान्यार्थ, ये समास है, इसका जब लौकिक विग्रह करेंगे तो ये होगा धान्येन अर्थ, ये हो गया आपका लौकिक विग्रह, यानी जो अर्थ बताया जाता है उसको कहते हैं लौकिक विग्रह। और जब व्याकरण की दृष्टि से देखें तो देखो यहाँ तृतीया है यहाँ प्रथमा है, तो तृतीया में तृतीया एक वचन है आपको पता है रामायण की तरह है, तो आप लिखेंगे धान्य प्लस टा और अर्थ प्लस सु। सु क्यों आया है, क्योंकि प्रथमा एक वचन में सुई लगता है, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है विद्यार्थियों। और ये हो गया आपका अलौकिक विग्रह। अब देखिए इस सूत्र से आप इसका समास कर लेंगे, समास करके क्या है इसकी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, फिर उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व निपात हो जाएगा, फिर इसके जो सुप हैं इनका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से लोप हो जाता है, क्योंकि पहले कृतद्धित समासाश्च से आप क्या करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा, और फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से लोप हो जाएगा, और जब लोप हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा धान्य अर्थ, ठीक है। यहाँ इसको आपको पता है यहाँ आए ये हो जाएगा आपका धान्यार्थ, और सूत्र लग जाएगा आपका अकह सवर्णे दीर्घ, ठीक है, से सवर्ण दीर्घ करने पर, और आप इसको फिर लिख देंगे धान्यार्थ और
आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, अभी तृतीया में कुछ और हैं उदाहरण। देखिए विद्यार्थियों, ये वीडियो बनाने के प्रति मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि मैं संस्कृत से हूँ और मैंने ये देखा कि संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए YouTube पर बहुत कम मटेरियल है, प्रतियोगिताओं से संबंधित है लेकिन क्लास का मटेरियल नहीं है और प्रायः MA की क्लास का मटेरियल नहीं है। तो इसलिए ये हम पढ़ रहे हैं समास का प्रक्रिया भाग, और ये आपका नेट में फर्स्ट ग्रेड में UPTGT PGT में प्रत्येक जगह यह कार्य आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको सिद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि जो विद्यार्थी संस्कृत से संबंध रखते हैं केवल उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दें और इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।